guys, welcome to my channel again. This is Abhishek Sharma. I hope you all are doing absolutely well, safe at your homes. So guys, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि today is the 13th July and 2021 और 13 जुलाई को मेरा बर्थडे आता है, तो बर्थडे सेलिब्रेशन पे पूरा वीडियो है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई है। तो आज मैं ये शूट कर रहा हूँ नेक्स्ट डे। सो गाइज, पूरा वीडियो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई, बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट्स मिले मुझे। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने मुझे इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स एंड विशेज दिए। सो गाइज, जो भी कोई नया है मेरे चैनल पर, जल्दी से जाके सब्सक्राइब नीचे जो लिखा हुआ है उसको कर दो गाइज, और जिनने भी सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। सो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए क्योंकि सबसे अनएक्सपेक्टेबल चीज़ मेरे साथ जो हुई है कि रात में जो 12 बजे बर्थडे मनता है वो मनाया गया इस बार मेरा, जो कि मेरे घर पे आके मनाया गया। और बिल्कुल भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि ओलिवी, पुनीत, मेरा भाई, ये लोग आ सकते हैं और इस तरीके से मेरा बर्थडे मनाएंगे। तो एग्जैक्टली ये लोग मेरे घर आए 12 बजे और क्या हुआ ये आप देखिए, फिर मैं दिखाता हूँ आपको। हेलो गाइस, अब हम लोग अभिषेक का बर्थडे सेलिब्रेट करके जा रहे हैं रात को 12 बजे, जो कि वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि हम इतनी रात को स्पेशली मैं जा सकती हूँ। अब देखते हैं क्या रिएक्शन रहता अभिषेक का। चलो हमारे फ्रेंकी भी बहुत एक्साइटेड है। कैसा लग रहा है अभिषेक भैया, कुछ तो बोलो। हम लोग अपनी नींद खराब करके आए यार, बहुत एक्साइटेड है। अरे यार ये ब्लर से करो। Happy to you, happy long life to you, happy long life to you। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा इन लोगों ने कैसा मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो अब टाइम है नेक्स्ट डे का। तो ये वीडियो है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग। हैप्पी बर्थडे तो बोल दो बेचारे। मैन ऑफ द मैच कस्टमाइज करवाया। अभी कैसा लगा खुद को? अभी लुक एट बहुत अच्छा। कल एक सरप्राइज पार्टी, फिर आज एक सरप्राइज गिफ्ट, अब पता नहीं क्या क्या बचा है। अभी भी पूरा दिन बाकी है, पता नहीं क्या क्या देखने को मिलेगा। इन लोगों के फोन खूब आ रहे थे कि भाई पार्टी कहाँ पर देने वाला हूँ, तो मैंने डिसाइड किया कि चलिए यार
मांग रहे तो दे देते, लेकिन भाई मैं हर साल देता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। तो इस बार हमारे साथ सबसे मेन और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई थी कि हम बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हमें कहाँ जाना है पार्टी के लिए। तो हमने सिर्फ इतना डिसाइड किया था कि हम हाईवेज पे जाएंगे और ढाबों पे खाना खाएंगे, वहाँ ही इंजॉय करेंगे। तो आगे क्या हुआ वो आप देखिए, लेकिन उससे पहले सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे लिए रही वो थी ये कि पुनीत और सौरभ के बाय पुनीत एंड सौरभ जो हमें गिफ्ट दिया गया वो बहुत स्पेशल था, क्योंकि वो गिफ्ट अकेले मेरे लिए नहीं था, वो ओलिविया और मेरे लिए था और हमारे रिलेशनशिप के लिए था। 10 ईयर्स ऑफ टुगेदरनेस अभिकांक्षा अवार्ड हमें दिया गया, जो कि पुनीत और सौरभ के द्वारा दिया गया, जो कि बहुत प्यारा था। सो गाइस आप देखिए वो कैसा था। सौरभ कटारे एंड सुनीत प्रजापति। नहीं खुलेगा ऐसे, टेप लगाए बेटा, अच्छे से खोलो आराम से। हां जैसे बहुत सारे आ गए। नहीं अभी नहीं, नहीं यार, अब तो गैदर में वाह यार, ये दोनों के लिए है ना। अभी कांशा ने गवा दिया, ये अच्छा की अरे वाह। तेरे सारे बेस्ट कपल इन appreciation of your loyal and dedicated love for the past 10 years. हाँ, ये करेक्ट है। अभिकांक्षा 10 years for togetherness 15 April 2000. अब हमारी बहन फोटो खींचना भारत से। हमें ये गिफ्ट किसने दिया है? पुनीत ने और सौरभ ने। ये क्या ट्रॉफी, और ये आ चुके हैं हमारे इसको जूते साहिबान। स्वाकांक्षा आर यू एक्साइटेड? यस। कैसा लग रहा है आपको ये? वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट दैट वी हैव एवर रिसीव्ड। एक और गिफ्ट मैंने अपनी जायदाद इसके नाम कर दिए, अभिषेक के नाम। ये लेके गई पटाखे, जायदाद को लॉकर में रखा जाए। यही रुक गए। Stay safe, stay healthy. With helmet. ये आ गया मेरा हेलमेट और अब हम जा रहे हैं पार्टी के लिए। पुनीत ने बहुत अच्छे गिफ्ट दिए हैं जो कि आपने अभी देखे होंगे। तो अब हम लोग जा रहे हैं पार्टी करने, और कहाँ जा रहे हैं अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है, अभी हम देखेंगे धीरे धीरे। तो चलिए मिलते हैं हमारी लोकेशन पे, अब हम जहाँ पर भी पार्टी करने जा रहे हैं। बाय। रुके हैं यहाँ पे हम लोग, इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे एक्चुअली जाना का। अभी हम खड़े हैं भोजपुर जाता है रोड, जो रायसेन रोड के पास से, तो हम यहाँ खड़े हुए हैं ये पंडित जी का शुद्ध शाकाहारी भोजनालय के पास, और अभी ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ जाना है। चलो आप देखते हैं ये लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं। क्यों क्या डिसाइड हो रहा है? गाइस अभी तो डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि एक्चुअली में जाना कहाँ है, ये लोग डिसाइड कर रहे हैं अभी। मिसरोद के पास और अभी बिल्कुल भी डिसाइड नहीं हो पाया अभी तक। हम इतनी लंबी राइड लेकर आ गए, पूरा रायसेन रोड से होते हुए हम मिसरोद रोड आ गए हैं ये वाला इंटरनेशनल स्कूल के पास, लेकिन अभी तक इन लोगों का डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि जाना एक्चुअली में कहाँ है, पार्टी इनको मुझसे कहाँ लेनी है, बिल्कुल भी कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा। तो अभी खड़े हैं और बस सोच रहे हैं कि जाना कहाँ है, और अभी भी शायद कुछ डिसाइड नहीं हुआ, अभी नई जगह जा रहे हैं फिर परेशान होने। अब देखते हैं हम लोग कहाँ जाते हैं। हाँ भाई कुछ डिसाइड हुआ?
डिसाइड हो रहा है क्या? क्या डिसाइड हुआ भाई? क्या चलो तो गाइस फिर हम मिलता हूँ राइट पे। गाइस फाइनली हमें हमारा डिसाइड, गाइस अभी हमारा डिसाइड हुआ है कि हम हमारे देखे हुए और पुराने ढाबे पे वापस जा रहे हैं क्योंकि हमें कुछ भी इससे ढाबा रेस्टोरेंट बहुत भाई। अभी हम बहुत ज़्यादा घूम के आए रायसेन रोड पूरा मंडी मतलब के पास से होते हुए फाइनली होशंगाबाद रोड पर हम पहुँच रहे हैं हमारे ढाबे पे फैमिली ढाबा हम लोग आ गए हैं हमारे रेस्टोरेंट में और हमें ढाबा मिल गया और काफी अच्छा रेस्टोरेंट है। यहाँ मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बहुत अच्छी अरेंजमेंट है। पुनीत को बड़ा मज़ा आ रहा है ना, अपने फोटो सेशन में ही लगा हुआ है और अभी एनालाइज कर रहे हैं पूरा रेस्टोरेंट अच्छे से। बाकी रिव्यू हम रेस्टोरेंट के बर्थडे पार्टी की सारी चीज़ें हम बता देंगे ना वीडियो के बाद। अभी थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं। बन भी आ चुका है, सौरभ भी आ चुका है, मेरा भाई अनुज भी आ चुका है, पुनीत इस साइड, ओलिविया बिजी है अभी बात कर रही है और मैं भी ऑल सेट। सो अभी देखने वाली बात यह है कि बड़ी मुश्किल से हमें ढाबा मिला है और फाइनली हम लोग अभी पार्टी को स्टार्ट करने वाले हैं और अभी सब भूखे हो चुके हैं क्योंकि इतनी लंबी राइड के बाद हमें खाने की जगह मिली है। क्या है जय बॉटल में? वोडका प्लस प्लस सोडा विस्की चिल्ड कॉकटेल। ओके जल्दी से अपने अपना ऑर्डर दो। पुनीत क्या खाओगे? मैं दाल चावल खाऊंगा। ये दाल चावल खाने आया है? नहीं यहाँ पे यहाँ का अच्छा डिश क्या है? बासमती दाल जो हो गया इससे ऊपर क्या लाया? क्या ब्राउन हम खाएंगे यार भाई अम्मी चाहिए तेरे को क्या चाहिए क्या हमें ढाबा बहुत देर से मिला उसके बाद हम खाना भी बहुत देर से डिसाइड कर रहे हैं पर आज का दिन बहुत अच्छा है क्योंकि रात से ये लोग जिस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं ये सभी लोगों ने मेरा दिन बना दिया। तंदूरी अच्छा पराठा मिल जाएंगे नान मिल जाएगा। नहीं सॉरी दिस इज 4K दिस इज 5 एंड 6 एंड 7 हाँ और एक ये 8 ठीक है ये सभी आपका फर्स्ट गिफ्ट बोल रहा हूँ मतलब आज का इस रेस्टोरेंट का फर्स्ट गिफ्ट है बाकी डे का मेरा चौथा गिफ्ट है ये तो दिख रहा है इससे का खुलासा हो जाएगा इस वीडियो के अंदर। ये अचानक से आया हुआ केक टेंटेड एंड क्योंकि फाइनली आज आ गया बहुत दिन। थैंक यू सो मच ओली ओली ने मुझे दिया है मेरे फोन पे ये गाइस माइक मेरा ब्लॉगिंग माइक आज तो हमारी शायद वो क्लियर हो जाएगी। ये मेरा बोया का माइक है जो कि मैंने अमेजोन से मंगाया दूंगा काट दूंगा कोई दिक्कत नहीं। तो ये बहुत प्यारा माइक है जो ओलिवी की तरफ से मेरे को गिफ्ट मिला है। क्या क्या लिखा और कौन सी कर रहा है? बोल रहा है पनीर कोरमा कर दीजिए सब आ रहे हैं। Happy long life.
बहुत बढ़िया है, इतना अच्छा लगा पुनीत भैया को। मैं बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकता, बाहर जाके आया। थैंक यू पटेल। कुछ होगा भैया, कुछ होगा। आपको फोन आया खिल्ली भैया, इनके खिल्ली चाचा है, पुनीत के पिता भैया है, बाप जी के साथ होता। हम लोग खाना खा चुके हैं, साहब खाना कैसा लगा? टू गुड, टू गुड। बैठा हुआ खाना खा के तो हिल भी नहीं पा रहा है, पुनीत को भी बड़ा मस्त था, हमने पूरा खाना खा लिया। गाइस रियली बताऊं, प्रकाश दर फैमिली रेस्टोरेंट एंड ढाबा होशंगाबाद रोड पे आशिमा मॉल से थोड़ा सा पहले है, तो आप लोग आइए यहाँ पर खाइए। बहुत अच्छा स्पेस है, स्पेस आप मेरे पीछे भी देख सकते हो। पार्टीज करने के लिए बहुत अच्छा स्पेस है और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, और खाना भी बहुत टेस्टी था और रीजनेबल रेट है, कोई ज़्यादा रेट नहीं है। तो आप आके खाना वाना यहाँ पर खा सकते हो और पार्टीज इंजॉय कर सकते हो। हम लोगों ने तो खा लिया गाइस, और अब बहुत हो गया लेट और बाहर हो गया अंधेरा, तो अब हम निकल रहे हैं घर। तो चलिए मैं घर पर मिलता हूँ। सो गाइस थैंक्स टू ऑल माई सब्सक्राइबर एंड ऑल माई लवलीबल पीपल्स जिन्होंने मुझे प्यार किया, इतना विश किया मेरे को, तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। एंड स्पेशली थैंक्स टू ओलिवी, पुनीत, सौरभ, साहिबान, मेरे भाई अनुज एंड ऑल दी जिन्होंने मुझे इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए, मेरे को इतनी प्यारी विशेज दी, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सो गाइज ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहिए, जो भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए मेरे चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो से मैं शायद, हो सकता है अब लॉकडाउन थोड़ा ओपन हो गया तो मैं ट्रिप्स मारूं, तो हम लोग बहुत अच्छी अच्छी डेस्टिनेशंस पे जाने वाले हैं। तो आप सभी बने रहिए मेरे चैनल पे इसी तरीके से, और ऐसी नई नई वीडियोस मैं भोपाल के और बाहर के आपको दिखाता रहूँगा। सो गाइज थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल नाउ। स्टे ट्यून्ड विद मी। Bye, take care, stay safe, stay healthy.